हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे कि अगर इफ़ वाई को साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स जो कॉस एक्स जो हो रहा है, सो बाय अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल हाउ वी कैन शो दैट इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे क्या, इफ वाई अगर साइन एक्स है तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कैसे हो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़े थे, इफ वाई इक्वल टू साइन एक्स तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू बढ़ाऊंगा बाय स्मॉल अमाउंट, एक्स को बढ़ाएगा स्मॉल अमाउंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वाई के वैल्यू बढ़ेगा कितना बाय स्मॉल अमाउंट वाई प्लस डेल्टा वाई। पहले हम इसको लिखते हैं इक्वेशन वन, ठीक है। अब इक्वेशन टू में क्या होगा, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारा होगा इक्वेशन टू। अब क्या करते हैं, हमको करना है वे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, हो गया। ये वाई वाई करता तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसका फिर बाकी जितना ऑपरेशन करो वो करिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, कल ये पार्ट को छोड़ देता, डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स को। अब हम देखिए यहाँ पर डेल्टा वाई इक्वल दिया है साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। अब दिस इज द फॉर्म आई कैन राइट साइन सी माइनस साइन डी। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये हो गया टू साइन सी माइनस डी बाय टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाय टू। तो यहां सी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और डी है एक्स, सो नाउ आई कैन पुट साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू, हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हो गया टू साइन, यहां एक्स एक्स कट गया, टू साइन डेल्टा एक्स बाय टू हो गया, और यहां पर हो गया कॉस एक्स प्लस एक्स टू एक्स, सो टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू, ठीक है। या फिर सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा टू साइन डेल्टा एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू, हो गया। तो डेल्टा वाई का वैल्यू हो गया ये, है ना। इसको सॉल्व करके हम ये वैल्यू निकालें तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा वाई इज इक्वल टू टू साइन डेल्टा एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू। अब इसको ये वाला काम करता हूं, इसको मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, डेल्टा वाई को हमारा हो गया डेल्टा वाई इक्वल टू साइन डेल्टा एक्स बाय टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू हो गया। सो नाउ डेल्टा वाई इज इक्वल टू टू साइन डेल्टा एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू। सो एज पर फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ द साइड्स, डेल्टा एक्स ऑन बोथ द साइड्स वेयर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू मान हो गया डी वाई बाय डी एक्स, हो गया। अब यहां पर अगर इक्वेशन देखेंगे
तो कुछ तो ऐसा लग नहीं रहा कि हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया साइन डेल्टा एक्स बाय टू और यहाँ डेल्टा एक्स, इसको क्या कर सकते देखिए, हमको पता है कि वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो ना, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो वी कैन से साइन एक्स इज ऑल्सो जीरो, है कि नहीं। उसी तरह अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब साइन डेल्टा एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, मतलब व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो साइन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब आई कैन से साइन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो और व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वी कैन से साइन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अगर दोनों साइड को डिवाइड कर दूं डेल्टा एक्स तो मैं क्या देखता हूं, ये कब होता है जब हमारा वैल्यू पर पास पास है तब, है ना। तो ये हमारा हो गया वन मतलब साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वन। लेकिन यहां पर देखिए साइन डेल्टा एक्स बाय टू है और यहां पर फिर डेल्टा एक्स है, तो मतलब अगर मान लो यहां पर मैं बाय टू और यहां पर बाय टू लिखूंगा तो ये हमारा हो जाएगा वन, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स का वन हो गया, ठीक है। लेकिन हमको अभी डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स बाय टू फॉर्म में लाना है, देखिए कैसे करते हैं। आपको इतना समझ में आ गया है कि क्या साइन डेल्टा एक्स बाय एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू वन, ये तो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर डेल्टा एक्स बाय टू है साइन में जबकि यहां पर ऑनली डेल्टा एक्स है, हम क्या कर सकते हैं वी कैन मल्टीप्लाई बाय टू हियर एंड वी कैन डिवाइड बाय टू हियर, हो गया। मतलब अब ये पोर्शन लिखेगा तो इसी के जैसा है साइन डेल्टा एक्स बाय टू डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बाय टू, मतलब ये पोर्शन हो गया वन। अब ये टू के साथ कट गया तो हमारा क्या हो गया, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू। अब ये इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दैट मींस ये सबसे सिंपल फॉर्म में है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब अब लास्ट में क्या करेंगे, डेल्टा एक्स का वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर, तो पुट करने से हमारा हो जाएगा कितना कॉस एक्स प्लस जीरो बाय टू, डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट कर दिए जीरो, जीरो बाय टू इसी में जीरो, तो आंसर हमारा कितना हो गया कॉस एक्स। और ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये हमारा सॉल्व हो गया जो कि इसी के जैसा है, तो अगर y is equal to sin x then dy by dx is equal to cos x, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे, लेकिन अब कैसे हुआ फॉर्मूला अगर थोड़ा पता होने से हमको सॉल्व करने में इजी होता है, इसलिए हमें डिराइव की वजह से डिराइव करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए जानना है कि हाउ यू केम अक्रॉस दिस सॉल्यूशन की अगर y sin x है तो dy by dx cos x कैसे हुआ, तो इस मेथड से जान पाओगे। इट्स अ लेंथी प्रोसेस बट नो डाउट आपको समझ में तो आया होगा कि If y equals sin x, then dy by dx process क्यों होगा, ठीक है। So thank you for watching.